आप सभी का मेरे YouTube चैनल आयुष सिंगल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके साथ बात करूंगा इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 065, क्लास 12 के यूनिट 4 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है सोसाइटल इम्पैक्ट्स के बारे में, और उसके टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे। चैप्टर के जो टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे आज का हमारा टॉपिक रहेगा पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर पायरेसी। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी ये फिफ्थ क्लास है, इसे लास्ट क्लास में यानी कि फोर्थ क्लास में हमने डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्राइवेसी और आईपीआर एंड वायलेशंस ऑफ आईपीआर के बारे में डिस्कशन किया था। आज हमारी फिफ्थ क्लास है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर पायरेसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर। पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? जैसे कि यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है, जो सॉफ्टवेयर पब्लिक के द्वारा यानी कि सभी यूजर्स के द्वारा एक्सेस किए जा सकें, उन सॉफ्टवेयर्स को पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, पब्लिक लाइसेंस। पब्लिक लाइसेंस सॉफ्टवेयर इज फर्दर डिवाइडेड इंटू वेरियस कैटेगरीज। पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है आपकी पब्लिक लाइसेंस। पब्लिक लाइसेंस सॉफ्टवेयर को भी फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट आता है जनरल पब्लिक लाइसेंस, जिसको हम शॉर्ट में जीपीएल बोलते हैं। सेकंड आता है क्रिएटिव कॉमन्स, सीसी। थर्ड इज फ्रीवेयर एंड फोर्थ इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। सेकंड पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर का कैटेगरी आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स लाइसेंस इज फर्दर डिवाइडेड इंटू कैटेगरीज। ओपन सोर्स लाइसेंस जो आपका है वो भी फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें आता है आपका फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसको शॉर्ट में FOSSB नाम दिया गया है। अब हम इन सभी सॉफ्टवेयर के बारे में, पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी तो उनकी सब कैटेगरी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा जो कैटेगरी था हमारा पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर का, पब्लिक लाइसेंस। उसका फर्स्ट कैटेगरी आता है जनरल पब्लिक लाइसेंस सॉफ्टवेयर, यानी कि शॉर्ट में जीपीएल। जीपीएल इज अनदर फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस विच प्रोवाइड्स एंड यूजर्स द फ्रीडम टू रन, स्टडी, शेयर एंड मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर बिसाइड्स गेटिंग रेगुलर अपडेट्स। जनरल पब्लिक लाइसेंस और जीपीएल, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, वो सॉफ्टवेयर है, उस प्रकार का लाइसेंस है जो सभी यूजर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाता है, और इस लाइसेंस के द्वारा यूजर्स को ये फ्रीडम दी जाती है कि वो उस यूजर को रन करें, एक्सेस करें, उस पर स्टडी करें, उस एप्लीकेशन को, उस सॉफ्टवेयर को शेयर करें, या उस सॉफ्टवेयर में कुछ मॉडिफिकेशन करें, उसकी कोडिंग में भी चेंजेस कर सकते हैं। परंतु उसमें एक लिमिटेशन आती है कि इस सॉफ्टवेयर का आपको जो कंपनीज की तरफ से अपडेट्स वर्जन आता है वो आपको नहीं मिलेगा। यूजर्स और कंपनीज हु डिस्ट्रीब्यूट जीपीएल लाइसेंस वर्क मे चार्ज ए फी और कॉपीज और गिव देम फ्री ऑफ चार्ज। स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी यूजर ऑफ द यानी कि क्रिएटर जिसने जीपीएल आपको जो प्रोवाइड कर रहा है किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए, जो कंपनी है आईटी कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने जीपीएल लाइसेंस को अपने यूजर्स को, वो उसके जीपीएल लाइसेंस प्रोवाइड करने के एवज में आपसे एक फी भी चार्ज कर सकता है या फ्री ऑफ देम भी आपको जीपीएल लाइसेंस प्रोवाइड कर सकता है। सेकेंड आता है आपका क्रिएटिव कॉमन्स, जिसको शॉर्ट में सीसी बोलते हैं। क्रिएटिव कॉमन्स इज यूज फॉर ऑल काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क। सभी प्रकार के क्रिएटिव वर्क को करने के लिए क्रिएटिव कॉमन्स यूज किए जाते हैं। किस टाइप का क्रिएटिव वर्क यूज करना है हमें यहाँ पे? वेबसाइट्स म्यूजिक इस टाइप के जो क्रिएटिव वर्क्स हैं उनको यूज करने के लिए जो भी आपका जो पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर का जो कैटेगरी में हम यूज करते हैं वो कैटेगरी आती है क्रिएटिव कॉमन्स। एंड थर्ड कैटेगरी आती है आपकी फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द पब्लिक लाइसेंस सॉफ्टवेयर नोन एज फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर लाइसेंस लाइक स्काइप, एडोब रीडर, ईटीसी।
फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर लाइसेंस के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं, जैसे स्काइप, एडोब रीडर, ये वो एप्लीकेशंस हैं जो फ्रीवेयर यानी कि जो फ्री अवेलेबल होते हैं, विच अलाउज कॉपिंग फॉर पर्सनल यूज। जिन ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको कोई भी यूजर्स, कोई भी व्यक्ति यूज करने के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए कॉपी कर सकता है। ये परमिशन अलाउ करते हैं एप्लीकेशन को कॉपी करने के लिए अपने पर्सनल यूज के लिए, बट प्रोहिबिट कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन। परंतु आप उस एप्लीकेशन को, उन सॉफ्टवेयर्स को कमर्शियली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं या अपने नेम पर उनको किसी दूसरे यूजर को प्रोप्राइटरी लाइसेंस के रूप में उसको प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। वेयर कॉपिंग इज प्रोहिबिटेड बाय द कॉपीराइट लॉ। यदि आप ऐसा करते हैं तो कॉपीराइट लॉ के अकॉर्डिंग ये निषेध माना गया है। दिस इज द डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। अगला आता है आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर दैट वी आर सोल्ड कमर्शियली एंड देयर प्रोग्राम कोड मींस सोर्स कोड आर नॉट शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन सॉफ्टवेयर को, जिन एप्लीकेशन को कमर्शियली पब्लिक प्लेस पर मार्केट में बेच दिया जाता है, सोल्ड किया जाता है और उनके प्रोग्राम कोड को बेच दिया जाता है। परंतु ध्यान रखें कि उनके सोर्स कोडिंग जो होती है, जिसमें मॉडिफिकेशन करके, कोडिंग में एडिटिंग करके आप कोई न्यू एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं या उसी एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ उसकी चेंजेस कर सकते हैं, द सोर्स कोड आर नॉट शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। वो एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर जो आपने प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में उसका लाइसेंस प्राप्त किया है किसी भी क्रिएटर से, वो आपको कभी भी उसका सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करवाएगा पब्लिक प्लेस पर, मार्केट प्लेस पर। वो आपको केवल एप्लीकेशन यूज करने के लिए देगा जिसे आप कमर्शियल यूज कर सके, और उसका जो प्रोग्राम्स होंगे वो आपको यूज करने के लिए देगा, जिसको यूजर्स मैनुअल सैंपल प्रोग्राम्स भी हम बोलते हैं। परंतु उस एप्लीकेशन को डेवलप करने में जो प्रोग्रामिंग यूज करी गई है, कोडिंग यूज करी गई है, वो आपको प्रोवाइड नहीं करवाएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। आता है आपका फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन द कैटेगरी ऑफ द पब्लिक लाइसेंस सॉफ्टवेयर, जिसको शॉर्ट में FOSS बोला जाता है। देयर आर सर्टेन सॉफ्टवेयर अवेलेबल फ्रीली फॉर एनीवन एंड देयर सोर्स कोड इज आल्सो ओपन फॉर एनीवन टू एक्सेस, मॉडिफाई, करेक्ट एंड इम्प्रूव। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको काफी सारे इंटरनेट पर आज के समय में काफी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे मिलेंगे जो किसी भी यूजर्स के द्वारा फ्री में एक्सेस किए जा सकते हैं, उनको मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है, उनकी कोडिंग में भी चेंजेस किया जा सकता है। उनके मॉडिफिकेशंस को करने के बाद उन एप्लीकेशंस को अपने नेम के द्वारा दोबारा अदर यूजर्स के लिए नेट पर अपलोड भी किया जा सकता है और उसमें कुछ भी चेंजेस करे जा सकते हैं। वो ओपन है, जैसे नाम से पता लग रहा है, फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट इज अवेलेबल फॉर ऑल द यूजर्स एंड ओपन means it is open to change any information in the application, in the design or in the coding and available the modified version to all the users. That name is known as the free and open source software, is also known as FOSS. Free and open source software has a large community of users and developers who are contributing continuously towards editing new features or improving the existing features. Students, FOSS उस टाइप की कैटेगरी के सॉफ्टवेयर्स हैं जो बिगिनर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स बिगिनर स्टेज पर अपने किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं पब्लिक की यूजर्स के लिए, कमर्शियली मार्केट के लिए, और उसको कंटिन्यूसली उसमें न्यू फीचर्स ऐड करने की चाहते हैं कि पब्लिक की, यूजर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है, कि इनमें क्या क्या फीचर्स ऐड होने चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार वो अपने उस एप्लीकेशन में, उस सॉफ्टवेयर में वो फीचर्स ऐड करते रहते हैं और जो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहते हैं, उनके फीचर्स को, एग्जिस्टिंग फीचर्स में इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, डिजाइनिंग चेंजेस करते रहते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल लिनक्स, कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। लिनक्स एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है,
इसी तरीके से लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और मैंने यहाँ पे लिखा कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पहले समय में यूज हुआ करते थे, और कर्नल को के शेल भी बोलते हैं, के शेल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर में जो भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, जो उनमें से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे हैं जो आज भी मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं सभी यूजर्स के लिए। आपको अगर अपने सिस्टम पर, अपने लैपटॉप पर उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यू डू नॉट नीड टू पे एनी चार्ज टू द क्रिएटर। जैसे मींस अबंटू, फेडोरा, all these are the examples of the free and open source operating systems but provide the license, so these are lies under the category public license software। popular kuch tools bhi hain FOSS ki category mein, kuch tools bhi aate hain jaise open office package is also the just category of microsoft package ms office, लाइबर ऑफिस, ऑल दीज आर द ओपन ऑफिस एप्लीकेशन और ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर विच आर वेरी पॉपुलर इन टूडेज मार्केट फॉर ऑल द यूजर्स और बिगिनर्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स। एंड देयर आर एक ब्राउजर नेम्ड पॉपुलर ब्राउजर विच वी यूज समटाइम्स बिफोर नोन एज मोजिला फायरफॉक्स इज ए वेब ब्राउजर विच इज lies under the category of free and open source software because the recording of this web browser can be changed easily and the updated version or the modification of that browser can be uploaded to the internet with his or her name to use other users. But Mozilla Firefox is the web browser, Mozilla Firefox the browser has the limitation, means any user can edit, so these features can change or work improperly, so the Mozilla Firefox web browser is not popular in present times। आगे पढ़ते हैं हम, अगला आता है आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज द अनऑथराइज्ड यूज और डिस्ट्रीब्यूटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर का अनऑथराइज्ड रूप से डिस्ट्रीब्यूशन करना सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। दोज हु परचेज ए लाइसेंस फॉर ए कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर डू नॉट हैव द राइट्स टू मेक एडिशनल कॉपीज विदाउट द परमिशन ऑफ द कॉपीराइट ओनर। यदि आप कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, उसका उसके क्रिएटर से लाइसेंस प्राप्त करते हैं और उसके एक लाइसेंस के बेसिस पर आप उस एप्लीकेशन को मल्टीपल सिस्टम्स में सेम लाइसेंस के बेसिस पर यूज करना चाहते हैं, तो दैट ऑल द कॉपीज विच यू यूज ऑल द मल्टीपल सिस्टम्स ऑन द सेम लाइसेंस ऑल द कॉपीज नोन एज द सॉफ्टवेयर पायरेसी मीन्स द अनऑथराइज्ड use or the distribution of the software without the permission of the copyright owner। One should avoid software piracy। हमें software piracy का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी भी pirated software का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, using a pirated software not only degrade the performance of a computer system but also affect the software industry which in turn affect the economy of a country। यदि हम pirated software का use करते हैं तो इससे हमारे कंप्यूटर सिस्टम, हमारे कंप्यूटर की जो आपका जो भी सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, पीसी, लैपटॉप, जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं उस एप्लीकेशन को रन करवाने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को रन करवाने के लिए, वो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी डाउन करता है। और इसके साथ साथ इंडियन मार्केट में जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो एक भारतीय इकोनॉमी पर भी कुछ ना कुछ रूप से प्रभाव डालती है, जिससे हमें भी नुकसान है, यूजर्स को भी नुकसान है, इंडस्ट्री को भी नुकसान है और इंडियन गवर्नमेंट को भी नुकसान है। तो इसलिए आपको यही सजेशन दिया जाता है कि आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज ना करें, लाइसेंस कॉपी ही यूज करें। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ। आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कुछ स्टूडेंट चाहते होंगे कि हमने एक लाइसेंस, एक कॉपी ले ली एक प्रोडक्ट की पे, हमने उसको इंस्टॉल कर लिया सिस्टम पे, उसी प्रोडक्ट की पे
हम मल्टीपल सिस्टम्स में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, पर जैसे ही आप अदर सिस्टम पर उसको इंस्टॉल करेंगे तो ऑल द एप्लीकेशंस विच यू इंस्टॉल्ड इन द अनदर सिस्टम्स विथ द सेम प्रोडक्ट की इज वर्क्ड एज अ पायरेटेड सॉफ्टवेयर ऑल्सो द ओरिजिनल प्रोडक्ट ऑफ द सॉफ्ट दैट एंटीवायरस एप्लीकेशन विच यू इंस्टॉल्ड इन योर ओरिजिनल पीसी दैट ऑल्सो नॉट वर्क्स प्रॉपरली। यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अगर आप पायरेटेड कॉपी उसका यूज करके किसी प्रोडक्ट की का यूज करके आप अदर सिस्टम में उसको इंस्टॉल करते हैं तो अदर सिस्टम में जिसमें आप इंस्टॉल करेंगे उसमें भी वर्क नहीं करेगा और जिसमें आपने ओरिजिनल सिस्टम में वर्क इंस्टॉल करा था उसमें भी वर्क नहीं करेगा बिकॉज दिस इज द पायरेटेड कॉपी ऑफ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सभी स्टूडेंट्स अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस।